सो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो एंड यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका कौन सा प्रोसेस गलत रह जाता है जिससे कि आपका वीडियो रैंक में नहीं जाता है एंड आपका वीडियो सर्च टेबल में नहीं जाता है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसीलिए मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रोसेस आपका गलत रह जाता है जिससे कि आपका वीडियो रैंक में नहीं जाता, कौन सी 10 सेटिंग है जो कि आप ऑन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फिर से पासवर्ड डाल देते हैं। आप ऐसा पासवर्ड डालिए कि आपको याद रहे। जैसे हम डाल लेते हैं एंड इतना डालने के बाद में आपको ऐसे नेक्स्ट कर देना है क्लिक एंड यहाँ से आई एम इन कर देना है, एस आई एम इन, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। आपको यहाँ से क्या करना है, ऐसे आपको नेक्स्ट कर लेना है एंड इतना करने के बाद में यहाँ से कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप आई एम एग्री कर दीजिए। क्या करना है आपको, आई एम एग्री कर देना है एंड आपको कुछ नहीं करना है। आई एम एग्री करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस तरह का दिखाई देगा एंड यहाँ से आपको जो अभी अपने दोस्तों आपको करना क्या है, पहले तो आपको ओपन कर लेना है अपने यूट्यूब को। क्या कर लेना है, पहले तो अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आप एक न्यू क्रिएट चैनल बना लीजिए। जैसे कि मैंने एक चैनल बना के रखा हुआ है, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कर लेंगे आप अपने लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक एंड यहाँ से आपको करना है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक। क्या करना है आपको, इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक एंड थोड़ा टाइम लगेगा एंड ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से न्यू चैनल बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्या कर लेना है, प्लस वाले आइकन पर आपको कर लेना है क्लिक एंड यहाँ से आप जो पासवर्ड लगाए हैं और जो होम स्क्रीन पे उसको आप चूज़ कर लीजिए एंड आपको यहाँ से चेकिंग इन्फॉर्मेशन ले लेगा एंड कुछ समय बाद आपका जब लोडिंग ले लेगा उसके बाद में खुलेगा। चलिए हम तरफ वीडियो को पास कर देते हैं। सो दोस्तों, चेकिंग होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख लीजिए कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा एंड यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्या क्रिएट अकाउंट पर एंड यहाँ से फॉर माई सेल्फ में कर देना, क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हैं ना। अब यहाँ से जो भी आपका नाम है, जो आप यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं पहले मेरा एडिटिंग का चैनल बनाने वाला हूँ, तो आई एम आर्टिस्ट एडिटर लिख देते हैं एंड यहाँ से एडिटर जो लिखा है यहाँ से काट दीजिए एंड यहाँ पर एडिटर लिख दीजिए। क्या लिखना है, यहाँ पर एडिटर लिख देना है। एडिटर लिखने पर एडिटर लिखने के बाद यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। क्या कर लेना है आपको, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके सामने इंटरफेस दिखाई दिया इसमें क्या करना है, पहले तो जो जेंडर है आपको यहाँ से मेल क्लिक कर लेना है एंड जो मंथ में है यहाँ से जो आपका जन्मदिन मतलब डेट ऑफ बर्थ है उसका आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे हम चूज़ कर लेते हैं, अपना कोई भी चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ से आपका एक जीमेल चूज़ कर देना है। जैसे कि हमको इस वाले ऊपर वाले को चूज़ करना है, तीन आ गए हैं। इसमें अगर नया बनाना चाहते हैं तो आप नए वाले में इस वाले को डाल सकते हैं एंड अगर पुराना मतलब कोई भी जीमेल बनाना चाहते हैं। मैंने जो अभी चैनल बनाया है ना दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पर शो कर रहा है हमारा चैनल। अब क्या करना है, यहाँ से हमारा एक चैनल बना लेना है। तो चैनल बना लेके क्या करना है आपको, योर चैनल पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल जो भी ऐड करना है ऐड कर लीजिए। जैसे हम प्रोफाइल चलिए ऐड कर लेते हैं। प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं एंड प्रोफाइल ऐड करने के बाद में यहाँ से जो सेव पिक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से इसके आगे क्या करना है आपको, यहाँ से जो आप नेम है आपका यहाँ से आप कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ऐसे अच्छा लगा तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ऐसा ठीक लग रहा है आपको। यहाँ से उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ चैनल कर देना है। आपको जो एक चैनल है बन जाएगा, आपका चैनल यहाँ से लॉगिन हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है जान। यहाँ से इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से अब तो आपको यहाँ से डायरेक्टली कट कर देना, आपका जो फ़ोन यहाँ से डायरेक्टली कट कर देना यूट्यूब से। डायरेक्टली कट करने के बाद में आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च करना होगा। यहाँ से आपको आ जाना है क्रोम में एंड क्रोम में आने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको सर्च कर देना है। ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा शो कर रहा है लिखा हुआ, देख लीजिएगा studio.youtube.com, यहाँ से सर्च कर लेना है आपको एंड यहाँ से फिर से गूगल वाले यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी लोडिंग ले एंड अभी मेरा दूसरा वाला चैनल लॉगिन है, ऐसे इसको देख लीजिएगा। हम यहाँ से अपने
जो भी हमने चैनल बनाया है उसको लॉगिन करने के लिए यहाँ से आपको लोगो वाले पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से स्यूज अकाउंट पे आ जाना है। क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले पे आने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर रुक लीजिए, देखिए हम इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप जो यहाँ से अभी जो चैनल बनाया है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। देख लीजिए हमारे यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए एंड आपको यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब में चला जाएगा। फिर से आपको क्रोम में सेंड कर देगा आपको जो YouTube.com अभी हमारे खोला था IMRDX50 वाले में खुल जाएगा। तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है तलक भाइयों, देख लीजिएगा आ चुका है। यहाँ से क्या करना है आपको, कंटिन्यू कर देना है आपको। क्या कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है आपको एंड इसके बाद में आपको यहाँ से जो सेटिंग है आपको क्या करना है, सेटिंग कैसे करनी है आपको। पहले तो आपको यहाँ पर एक नीचे की तरफ एक आपको सेटिंग दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो तीन नंबर में यहाँ से दिख रहा होगा, आप देख लीजिए तीन नंबर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको तो पहले टाइटल लिख लेना है। टाइटल जो भी आपने अभी चैनल का नाम बनाया उसको लिख लेते हैं पहले। इतना करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख लेना है अपने तरफ से, जैसे कि हम लिख देते हैं प्लीज़ सपोर्ट टू सपोर्ट जान एंड यहाँ से ऐसे ही लिख लेना है एंड जान। इतना करने के बाद में आपको ऐसे इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ से क्या करना है आपको, वीडियो लैंग्वेज जैसे कि आप हिंदी में वीडियो बोल के बना रहे हैं तो आपको यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम, हिंदी सिलेक्ट करने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यहाँ से क्या करना है, इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश में लिखना है ना, तो इंग्लिश इंडिया में सिलेक्ट कर लेना है एंड इतना करने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर अलाउ ऑल कमेंट कर देना है एंड ऐसे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे एडिटिंग का है तो यहाँ पर लिखेगा हाउ टू स्टाइल एंड आपको म्यूजिक का है, गेमिंग का है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, चैनल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पर शो करके, चैनल वाले पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से चैनल पर क्लिक करने के बाद में आपको जो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको शो कर रहा होगा कंट्री वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप जो भी कंट्रीज हैं, जैसे हम इंडिया से हैं तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंडिया हम सेलेक्ट कर लिए एंड ऐसे कीबोर्ड भी आपको डाल लेना है, जैसे अपने से बड़े बड़े क्रिएटर का कीबोर्ड डाल लेना है। जैसे हम लिख लेते हैं RDX एडिटर। इतना करने के बाद में आपको अपना लिख लेना है, जैसे कि हमारा दो तीन चैनल चल रहा है ना, हैं तो ऐसे लिख लेना कि आपको अपने बड़े बड़े क्रिएटर का लिख लेना है। ऐसा लिख लेना है आपको एंड इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से शो कर रहा होगा एक ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको जो अभी बता एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल कैसे करेंगे, यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा एंड इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, जैसे हम डाल लेते हैं एंड इतना करने के बाद में टेक्स्ट और वेरिफिकेशन क्लिक कर दें, आपके पास मैसेज आएगा। इस पर आपको गेट कोड पर क्लिक कर देना है, आपको नंबर यहाँ से रॉन्ग बता रहा है, फिर से आप एंड यहाँ से आप कोई का भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं जिससे कि आपको जो मिल जाए फ़ोन, तो हम डाल लेते हैं चलिए हम डाल लेते हैं एंड इतना करने के बाद में आपको उससे गेट कोड पे क्लिक कर देना है। क्या कर लेना है, गेट कोड पे। अब यहाँ से आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, अभी देख लीजिएगा यहाँ से आपको आ गया है, तो यहाँ से क्या करना है कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको जो यहाँ से वेरिफिकेशन है आपको यहाँ से क्लियरिटी हो चुका है, तो ऐसे आप कट कर देंगे एंड फिर से कट कर देंगे, फिर से कट कर देंगे एंड ऐसे क्रोम में आप चले जाना है। ये जो आपका है इनेबल हो चुका है, आपका जो दूसरा वाला था
इनेबल हो चुका है। एंड आपसे तीसरे वाले को भी इनेबल कैसे करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। एंड यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इसे यहाँ से वीडियो वाले में से आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा जैसे जैसे आपको पूछेगा। एंड जैसे इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है, इस वाले ऑप्शन पर। एंड इस पर आने के बाद में आपको एस वाले पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से करने के बाद में आपको क्या कर लेना है, यहाँ से एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव कर लेना है आपको। एंड सेव करने के बाद में आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे। क्या कर लेना है आपको, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस पर आपको नहीं करेंगे तो आपका जो चैनल अभी उसमें कुछ नहीं होगा। आप वीडियो डालने के बाद यहाँ से सब्सक्राइबर से पहले एंड सब्सक्राइबर के बाद में यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोनों ऑप्शन है। एंड यहाँ से इतना करने के बाद इस वाले पे आ जाएंगे। एंड यहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिखने, जैसे हम लिख लेते हैं। एंड इतना लिखने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। एंड जितना करने के बाद में आपको जैसे ब्लेंडिंग में आ जाना है, इससे आप जो अपना कवर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एंड इतना करने के बाद में आपको सेटिंग हो चुका है। एंड ऐसे क्या करना है, जब तक आप इस वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करते, पब्लिश नहीं करते हैं, तब तक आपका सेटिंग जो है सेव नहीं होगा। एंड आपका सेटिंग अब सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, सेव हो चुका है हमारा, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड मेरा सेकंड वाला चैनल भी आपको दिखा देता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई प्लीज़। चलिए हम सेकंड वाला चैनल अपना दिखा देते हैं। ये देख लीजिए मेरा एडिटिंग का चैनल है, सेकेंड वाला चैनल जो है एडिटिंग का है। तो चलिए हम दिखा देते हैं कौन सा चैनल है हमारा एडिटिंग का चैनल। देख लीजिए कुछ इस तरह का हम फोटो एडिटिंग सीखना सिखाते हैं सभी भाइयों को, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।